देखिए पुरानी तहसील पश्चिमी अंबर तालाब के अंदर पानी की लगातार कई दिनों से शिकायतें आ रही थी। मेरी बात हुई एक्शन से और एससी से, उसे जेई से, यही से, अब वो पानी साफ आ रहा है। वहाँ पर पानी संबंधित के लिए मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इसके लिए कोई लापरवाही नहीं की जा सकती। रुड़की नगर की जनता से मेरा आग्रह है कि ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसे तुरंत उठाएं। मैंने लगभग 100 से अधिक जो हैंडपंप खराब पड़े थे एक्शन पेयजल को बोल करके वो शहर के अंदर ठीक करा दिए। इसके साथ साथ पानी की बड़ी 4 टैंक पेयजल योजना के तहत स्वीकृत कर दी गई है। नगर निगम द्वारा उनको जमीन उपलब्ध करा दी गई है। मुझे लगता है अगले माह से उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा और शहर के अंदर 4 बड़े टैंक बनने के बाद पानी की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। एक शेरपुर में, एक खंजरपुर में, सुनहरा में और गणेशपुर में 4 टैंक बन रहे हैं। ऐसा है जो वास्तव में सैकड़ों वर्ष से मैं समझता हूँ कि लोग पानी से परेशान हैं, वाटर ड्रेनेज से परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत जल्दी वो समस्याएं दूर हो जाएं जादू की छड़ी घुमा करके, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरा रात दिन प्रयास रहता है कि क्या उनके लिए बेहतर किया जा सकता है। उनके लिए DRP बन रही है, उसके बाद वहाँ पर निश्चित रूप से निकासी का काम तेजी से शुरू। मुस्लिम भाइयों को दिक्कत थी, वहाँ जाने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे भी धीरे धीरे हर समस्या का समाधान करा जाएगा। भाजपा की टिकट के लिए आपने दावेदारी की थी, किसी कारण से आपका भाजपा से टिकट नहीं हो पाया, निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा और जीत गए, फिर 8 महीने बाद आपने आज BJP ज्वाइन कर लिया, इस बारे में क्या कहना चाहें? मैं कहना चाहता हूँ, मैं पहले ही भाजपा का सिपाही रहा हूँ, मैं अभी भाजपा का सिपाही हूँ। मैंने पहले भी भाजपा के बारे में कोई आलोचना नहीं की है और मैं पहले भाजपा का सिपाही था, मैं आज भी भाजपा का सिपाही रहूँ। ये तो समय की बात रही थी, कोई बात नहीं, ये था कि ऊपर का फैसला था, कोई बात नहीं, कभी ऐसे कोई बात नहीं होती है। इसमें तो परिवार है, इसमें खटपट हो जाती है, मगर परिवार में कोई ऐसे चलती है, मगर परिवार ने बिल्कुल कह रहा कोई बात नहीं, परिवार ने मुझे वापसी लिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के पार्षद नितिन त्यागी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है जो लोगों की समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष ग्रोवर, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार, रुड़की। आज हम खड़े हैं वार्ड नंबर 37 में, यह पश्चिमी अंबर तालाब बताया जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पानी की दिक्कतों से झुलस रहे हैं, गंदा पानी लोगों को पीने को मिल रहा था। पहले भी कई बार यहाँ के लोग पार्षद के पास, जो पुराने पार्षद थे उनके पास अपनी अपील लेकर, एप्लीकेशन लेकर गए थे, लेकिन कोई लोग इसका समाधान नहीं निकाल पाए थे। आज बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 37 की नितिन त्यागी जी से, जिन्होंने आज ये नगर निगम में इसका प्रस्ताव पास किया है। आइए जानते हैं नितिन त्यागी जी से कि किस तरह का प्रस्ताव पास किया गया है। नितिन त्यागी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह काफ़ी लोग समस्या से झुलस रहे हैं उस बारे में क्या करना चाहेंगे? कुछ दिनों से पानी की बहुत समस्या आ रही है कि गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, इसमें तो बहुत सी समस्या आ रही है, जनता की बहुत समस्या आ रही है। उसके लिए मैं आज हमारे हिमांशु त्यागी, जो हमारे नगर निगम में जी हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने बहुत अच्छा समाधान करा और आज सुबह से बिल्कुल पानी साफ आ रहा है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हिमांशु त्यागी का एक प्रस्ताव मैंने यहाँ पर पुरानी तहसील में दिया, जो आप पानी देखते हो सुबह और शाम कुछ कुछ घंटों के लिए पानी आता है, उसके लिए एक प्रस्ताव 12 के लिए हमने पास करेंगे। हमारे यहाँ 2 12 की पढ़ाओ में पहले पढ़ा स्कूल से हमारे यहाँ पानी आता है, तो उसमें एक 12 बोरिंग फेल हो गया था, उसमें एक 12 चलती है केवल, तो उसमें केवल पानी की समस्या दूर नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने आप प्रस्ताव दिया है, जेई साहब को दिया है, ए साहब को दिया है, मैं अपने माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी को दिया है, मेरे साथ महापौर हमारे गौरव गोयल जी को दिया था, तो उसमें हमारे कार्रवाई हुई, उसमें एस्टिमेट बन गया है। इसमें 24 घंटे मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे हमारे क्षेत्र में पानी आए और स्वच्छ पानी आए, कि पानी हमारा जीवन है और आप बिल्कुल जो पानी का आप देख रहे हो जितना पानी काला ये हर चीज़ आ रही थी, आज हमारे जय साहब ने, हमारे हिमांशु त्यागी जी ने समाधान करा है, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जैसे लोग पानी की समस्या तो चलो बात करते हैं पानी की, और जो समस्या है उसका समाधान के लिए आपको पार्षद बनाया गया है, आपकी तरफ से लोगों की समस्या का समाधान किस तरह किया जा रहा है, किस तरह आप उनकी जो शिकायतें हैं वो आप सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे हर समस्याओं का समाधान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन के कुछ आपको पता है कुछ काम ऐसे हो रहे थे कि आदमी थोड़ा परेशान थे, मगर फिर भी लॉकडाउन में भी बहुत समस्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ देख रहे होंगे,
मंदिर है, मंदिर के बराबर में है, यहाँ भी टाइलों का काम चल रहा है। उधर आप सड़क के देख ले, जो रामपुर चुंगी से लेकर वहाँ तक के सब गड्ढा मुक्त कर गई थी, और दीपाली गैस एजेंसी लेकर यहाँ काली के मंदिर तक भी सड़कें गड्ढा मुक्त कराई गई हैं। धीरे धीरे हर कार्य हो रहा है। और एक सड़क आप देखोगे सपना टागी से लेकर ईदगाह तक के, वो हमने सड़क लगभग तैयार करा दी गई है। इसमें बिल्कुल नगर निगम का बहुत बड़ा आभारी हूँ, महापौर हमारे गौरव गोयल जी ने बहुत अच्छा वो कराया। इसमें वहाँ तक आधा ही सड़कें बन गई हैं, और बिल्कुल ईदगाह तक के हमारे जिन मुस्लिम भाइयों को दिक्कत थी, वहाँ जाने कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे भी धीरे धीरे हर समस्या का समाधान करा जाएगा। भाजपा की टिकट के लिए आपने दावेदारी की थी, किसी कारण से आपका भाजपा से टिकट नहीं हो पाया, निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा और जीत गए, फिर आठ महीने बाद आपने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, मैं पहले ही भाजपा का सिपाही रहा हूँ, मैं अभी भाजपा का सिपाही हूँ, मैंने पहले भी भाजपा के बारे में कोई आलोचना नहीं की है, और मैं पहले ही भाजपा का सिपाही था, मैं आज भी भाजपा का सिपाही रहा हूँ। ये तो समय की बात रही थी, कोई बात नहीं, ये था कि ऊपर का फैसला था, कोई बात नहीं, कभी ऐसे कोई बात नहीं होती है। इसमें तो परिवार है, इसमें खटपट हो जाती है, मगर परिवार में कोई ऐसे चलती है, मगर परिवार ने बिल्कुल कह रहा कोई बात नहीं, परिवार ने मुझे वापसी लिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 37 के पार्षद नितिन त्यागी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है जो लोगों की समस्या है उसका समाधान जल्दी से जल्दी होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मनीष ग्रोवर, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार, रुड़की। आज काफ़ी लोगों ने कहा है कि पानी पहले से बेटर है। जैसे पानी की पहले समस्या चल रही थी, वो पानी आज जो देखा गया तो आज पानी साफ है, मगर सुबह तक गंदा था आज पानी। तो किसका श्रेय मानते हैं इस चीज़ में आप? ये हमारे जो पार्षद हैं नितिन त्यागी, उनको श्रेय जाता है इसका। तो तकरीबन कितना समय से गंदा पानी आ रहा था? ये 1.5-2 महीने से पानी गंदा आ रहा था। 8 बजे तक के था, अब पानी का टाइम हमारे जय साहब, हमारे ए साहब के कह गए, जो करा गया, हमारे ठगराल भी खड़े हैं, हमारे कैदी भी खड़े हैं, सबसे कह के पूरे मोहल्ले की उस समस्या, पानी 10 बजे का समय करवा दिया गया है, और आने वाले टाइम हम चाहते हैं पानी 24 घंटे है। ये तो मानते ही हैं आप, जल ही जीवन है। जी बिल्कुल। और काला काला सा अजीब सा पानी आ रहा था जी। और आप क्या नाम, आप साफ है इस टाइम जो है? किसका से मानते हैं कि किसकी मेहनत है? तो सही पानी आ रहा है आप लोगों का? फिर सही है, आगे होगा तब देखेंगे। ठीक।